नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बड़ी कह सकते हैं खुशखबरी रेलवे बोर्ड द्वारा जो है वो दिया जा चुका है, और जो बच्चे एनटीपीसी का एक तैयारी कर रहे थे और एनटीपीसी वाले बच्चे जो इंतजार कर रहे थे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें या फिर ग्रेजुएट लेवल की बात करें, उनकी वैकेंसी जो है आ गई है, इस बात की खुशी है। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू से बात करें तो बहुत दुखी भी है, क्योंकि बहुत लेस मात्रा में वैकेंसी जो है यहां पर देखने को मिला है। हम लोग उम्मीद किए थे कि कहीं ना कहीं 20,000 से जो है ऊपर वैकेंसी जो है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिला करके आएगी, लेकिन यहां पर आप सारे विद्यार्थियों के पास जैसा कि ब्यौरा दिख रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है वह सिर्फ 3404 आई है, और ग्रेजुएट लेवल की यदि हम बात करें तो 7479 आई है। और रेलवे बोर्ड द्वारा एक बड़ी सी मिस्टेक यहां पर यह भी हुआ है कि यदि आप इसको ऐड कर लेते हो तो ऐड करने के बाद देखो 9 और 4 13 यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए भाई, 3 आनी चाहिए, बट यहां पर आप देख लो उन्होंने 4 लिखा है। खैर कोई बात नहीं, एक वैकेंसी कम बेसी उनसे मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं बात। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 10,883 होती है, बट 84 यहां पे लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन ये वैकेंसी जो है उम्मीद से बहुत कम है, लेकिन खास करके कुछ वैसे विद्यार्थी को हम बताना चाहते हैं जो विद्यार्थी पिछली बार एलपी में याद होगा 5696 वैकेंसी आई थी, और बहुत लोग लेस वैकेंसी होने की वजह से फॉर्म को फिलअप ही नहीं कर पाए थे और पहले ही हार गए थे कि इतनी कम वैकेंसी में हमारी सिलेक्शन कैसे होगी। लेकिन जैसे ही वैकेंसी बढ़ी उन विद्यार्थियों में खलबली मच गई और कहीं ना कहीं ये मांग होने लगा कि अब हम लोग को दोबारे फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाए, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं किसी हद तक उचित भी नहीं है। हाँ, रेलवे बोर्ड की गलती है कि इतनी कम वैकेंसी दी और फिर अचानक इतनी बहुत ज्यादा वैकेंसी बढ़ा दी। लेकिन आप सारे विद्यार्थी को मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं एलपी जैसा मिस्टेक आप सभी लोग मत करिएगा, क्योंकि मे भी यहां पर कुछ प्रबल संभावना है कि 10,884 जो वैकेंसी आई है एनटीपीसी का, वो भविष्य में इस चीज को यहां पर बढ़ाया जाए। ठीक है, उसमें हम लोग कितना प्रोटेस्ट किए थे, हम सारे टीचर लोग भी जो है आपके लिए काफी काम किए थे, भले आप लोग उसके बदले आप लोग द्वारा हमें हम लोग को गाली मिला वो अलग मैटर है, लेकिन हमने भी अथक प्रयास किया था आपका। लेकिन उस टाइम वैकेंसी एक भी नहीं बढ़ी, लेकिन जस्ट जब सब सारे माहौल शांत हो गए, फिर रेलवे जो हर जोन होता है बोर्ड होता है आपसी कुछ कैलकुलेशन हुआ तो वैकेंसी जो है वहां पर बढ़ गई। खैर कोई बात नहीं, हम लोग को रोजगार चाहिए और किसी न किसी तरीके से मिले, बस हम यही पसंद करते हैं ना, इसी में हम लोग खुश रहेंगे। ठीक है, तो आप सारे विद्यार्थी को बताना चाहेंगे कि एनटीपीसी वाले जितने भी लोग हैं फॉर्म जो है दबा करके एकदम आप फिलअप करेंगे, है ना, और कोई ऐसा नहीं कि लेस वैकेंसी होने की वजह से फॉर्म को कम फिलअप करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है आगे आपकी वैकेंसी जो है वहां बढ़ जाए। ठीक है, बाकी जो है इसकी बैचेज जो है बहुत जल्द आप सारे विद्यार्थियों के लिए लाया जाएगा, आप सभी लोग इंतजार करिए। धन्यवाद, बाय सभी को।